जब मेरी शादी हुई थी ना, तो मेरी सासू माँ ने एक चीज मेरे लिए तैयार की थी बड़े प्यार से, अपने हाथों से, और वो चीज मैंने इतने सालों से अभी तक संभाल कर रखी है। तो वो क्या चीज है अभी मैं आपको दिख। और हमजा का स्कूल है भी बहुत दूर, दो रिक्शे चेंज करने पड़ते हैं, फिर हमजा को पैदल चलना पड़ता है। मैंने हल निकाला है हमजा, मैं आपको सरप्राइज दूंगी। चीज मांगना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और जब मैं अपने पैसों से कोई छोटी से छोटी चीज खरीद कर लाऊं ना, तो दिल से इतनी ज्यादा खुशी होती है। आज मैं एक चीज लेकर आई हूँ, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ सब हैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अभी जो है ना, घर के सारे काम करने के बाद मैं फ्री हुई हूँ। जैसे ही मैंने बर्तन धोए, बर्तन आज ढेर सारे थे। बर्तन धोने के बाद जैसे ही मैं हटी, तो पानी जो है ना हमारा खत्म हो गया। और पानी वाले को अभी मैंने कॉल की है कि आके हमारी पानी की टंकी डाल जाओ। अगर पानी वाले को सुबह कॉल करो तो वो दोपहर में आता है, दोपहर में करो तो वो शाम में आता है। तो मैंने बोला कि सुबह सुबह इसको कॉल कर देती हूँ, ताकि दोपहर तक जो है ना हमारा पानी डल जाए। मैंने अपना YouTube पर नया नया चैनल बनाया था ना, तो जिन लोगों ने मुझे शुरू शुरू में सब्सक्राइब किया था, 2, 3, 4, 5 इस तरह से, उन सभी के नाम मुझे याद है। उनमें से एक थे मियां इदरीस, जो सऊदी अरब से मुझे काफी सपोर्ट करते थे अपनी छोटी बहन समझकर। और जब मैं लाइव आने लगी यूट्यूब पर अपना वॉच टाइम कंप्लीट करने के लिए, तो वो मेरी लाइव में आते थे और घंटों घंटों जो है ना मेरी लाइव में बैठते थे, ताकि मेरा जल्दी वॉच टाइम कंप्लीट हो जाए। और जब मेरी लाइव में आते थे और वो क्या बातें करते थे, बस वो अपनी बेटी नैना के बारे में बातें करते रहते थे। अच्छा, वो मुझे बोल रहे थे कि आप ही आप मुझे भूल गई हो। नहीं, मैं आपको बिल्कुल भी नहीं भूली। जब भी आप मुझे कॉमेंट करते हो ना, तो आपकी डीपी को देखकर मैं पहचान जाती हूँ। आज सुबह सुबह जब मैंने YT स्टूडियो खोला था, उसके अंदर उनका कमेंट आया हुआ था, तो वो मुझे बोल रहे थे कि पहले आप YouTube पर सामने नहीं आती थी, तो अब आप सामने आने लग गई हो। तो मियां इदरीस भाई, वक्त बदल जाता है, हालात बदल जाते हैं, जज्बात बदल जाते हैं, नसीब इंसान को कहां से कहां ले जाता है। कल के बारे में हमें कुछ पता नहीं होता कि कल हमारे साथ क्या होने वाला है, हम क्या करने वाले हैं। पहले आप सऊदी अरब में होते थे, तो अब मुझे नहीं पता आप कहां हैं कहां नहीं है। बाकी बात यह है कि आपने मुझे इतना सपोर्ट किया था ना शुरू शुरू में, मुझे आप अभी तक याद हैं, और मैं आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। किचन में खड़े होकर अपना व्लॉग स्टार्ट किया है। अभी अभी मैं किचन साफ करके हटी हूँ। इस किचन को साफ करने में मुझे 1 घंटा लगा है। इसको मैंने अच्छी तरह से डीप क्लीन किया है। आज मैंने चूल्हा भी साफ किया है। इसके ना यहाँ पर दूध या चाय, सालन, कोई भी चीज गिर जाए ना, वो सूख कर चिपक जाती है, जिसको साफ करना बहुत मुश्किल होता है, काफी देर लगाकर। आज मैंने इसको भी अच्छी तरह से साफ किया है। इधर घर की भी मैंने अच्छी तरह से सफाई कर ली है। बस मैं इंतजार कर रही हूँ पानी वाले का, वो आ जाए। और आप बाहर मौसम चेक करें कि कितना ज्यादा गर्म हो रहा है, धूप बहुत तेज निकली हुई है। और यहाँ पर इतने ढेर सारे जो मैंने बर्तन धोए हैं ना, आधी टंकी पानी की तो इनके ऊपर ही लग गई है, इसीलिए हमारा जो पानी है ना वो भी खत्म हो गया है। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो काफी अरसे के बाद, काफी वेट करने के बाद, फाइनली मेरा सेकंड ईयर का कोर्स जो है वो सिनबोर्ड का आ चुका है। और मैंने आज मम्मा को बोला है कि आप मेरे साथ चलिएगा और मुझे जो है वो कोर्स लेके दीजिएगा। तो जिन्होंने भी अभी तक सेकंड ईयर का कोर्स लिया है या जिन्होंने नहीं लिया, वो मुझे कॉमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और यहाँ पर मम्मा ने फ्रेंच फ्राइज फाइनली बना लिए हैं मोहम्मद अहमद के लिए। जब तक ये आप लोगों से बातें करती करती, मैं यहाँ पर फ्रेंच फ्राइज बनाकर लेकर आ गई हूँ। अच्छा जी गर्ल्स, तो आप सबने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि किस किसने अपना कोर्स ले लिया है सेकंड ईयर का, किस किसने नहीं लिया। और ये भी बताइए आपने कौन सी फील्ड रखी है, मेडिकल रखी है, इंजीनियरिंग रखी है, कंप्यूटर साइंस रखी है, और आपके आगे के क्या प्लान है। दरवाजे के सामने हवा में मैंने मोहम्मद और अहमद को बिठा दिया है, साथ में कार्टून देख रहे हैं और साथ में अपने फ्रेंच फ्राइज इंजॉय कर रहे हैं। मोहम्मद अच्छे बने, अहमद आप भी खाओ ना, खा लो जल्दी जल्दी, मोहम्मद सारे खा जाएगा। हमजा अभी स्कूल से आ गया है और हमजा के कपड़ों की हालत क्या हो रही है, इतनी खौफनाक किस्म की गर्मी हो रही है ना, जिसकी वजह से पूरी इसकी शर्ट डेली पसीने के साथ भीग जाती है। इधर मुड़ो हमजा, और हमजा की शक्ल तो हमजा पहचाना नहीं जा रहा, धूप बहुत है ना, कलर भी आपका एकदम डार्क हो गया है। और हमजा का स्कूल है भी बहुत दूर, दो रिक्शे चेंज करने पड़ते हैं, फिर हमजा को पैदल चलना पड़ता है ना। इसका आज मैंने हल निकाला है हमजा, मैं आपको सरप्राइज दूंगी। अभी अल्हम्दुलिल्लाह से पानी डल चुका है, लंच का भी टाइम हो चुका है, सबने लंच कर लिया घर वालों ने। अभी मैंने अपने लिए लंच तैयार किया है, यहाँ पर चटनी है और साथ में बेसन की रोटी, और मुझे भी बहुत तेज भूख लग रही है। अभी मैं जल्दी से अपना लंच कर लेती हूँ। लाइट आज सुबह से गई हुई है और मैं काफी देर से इंतजार कर रही थी कि हमारे दूध वाला आ जाए, मैं उससे दूध ले लूँ और उसके बाद मैं ऊपर छत पर जाऊँ। हमारा दूध वाला कभी जल्दी आता है, कभी लेट आता है। तो अभी मगरिब से थोड़ा पहले का टाइम है, आ गया है, दूध मैंने ले लिया है और
अभी मैं ऊपर छत पर आ गई हूँ और यहाँ पर आमना बच्चों को संभालने में मसरूफ है, बहुत तंग कर रहे हैं ना। मोहम्मद मैं आपको नीचे ले जाऊँ या ऊपर खेलना है आपने? ऊपर खेलना है, फिर वो चटाई पे बैठो, आपके टॉयज रखे हुए वहाँ बैठ के खेलो। जी भी ऊपर लेकर आ गई हूँ, मैंने कहा हवा में बैठकर काटूंगी क्योंकि नीचे बहुत गर्मी हो रही है, और साथ ही मैं अपनी चाय लेकर आई हूँ। अच्छा मैं चीनी वाली चाय नहीं पीती, मैं गुड़ वाली चाय पीती हूँ, तो आपने मुझे लाजमी बताना है कि कौन कौन गुड़ वाली चाय पीता है। और यहाँ पर मोहम्मद अहमद के प्यारे प्यारे से टॉयज रखे हैं, मोहम्मद इनके साथ खेल रहे, कुछ फाड़ रहे, मोहम्मद खेल तो नहीं रहा। हमारे धुलते भी ऊपर है, रखती भी मैं कपड़े ऊपर हूँ, ऊपर वाले घर की मैंने इतने दिन से सफाई भी नहीं की थी क्योंकि नीचे वाले घर से ना मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था। दूसरा जब से हमजा गया था ना तो मैंने कोई भी काम नहीं किया, तो फाइनली आज शाम की जब मैंने ऊपर आके चाय पी है ना, उसके बाद मैं बिल्कुल नीचे गई ही नहीं हूँ क्योंकि ऊपर जितने भी काम थे, जो कपड़े धोने थे मैंने धोए हैं, जो कपड़े तय लगाने थे वो मैंने तय लगा कर अपनी अपनी जगह पर रखे हैं। तो कमरे के अंदर इस टाइम इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, बाहर ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मैंने सोचा बाहर आकर मैं के साथ बात भी कर लेती हूँ क्योंकि कमरे के अंदर पंखा भी नहीं लगा हुआ ना, तो फिर मैं आपको अंदर जाके दिखाती हूँ कि मैंने कौन कौन सा काम किया है। इस कमरे के अंदर हमारे सारे सर्दियों के, गर्मियों के हर तरह के कपड़े रखे हुए हैं। चारपाई के ऊपर बहुत सारे कपड़े थे जिनको तह लगाकर मैंने अपनी अपनी जगह पर रख दिया है। चारपाई के ऊपर कपड़े पड़े हुए थे तो बैठने की जगह नहीं थी, अब चारपाई खाली हो गई है तो मैं इसको बाहर बिछा दूंगी शाम को बैठने के लिए। मैंने सर्दियों के थोड़े मोटे कपड़े हैं ये निकाले हैं, ये धुले हुए थे, पिछले साल इनको पैक करके मैंने रखा था, लेकिन इनके अंदर से ना हल्की हल्की स्मेल भी आने लग जाती है और जब पहनो ना तो खारिश भी होने लग जाती है जिसम में। मैंने सोचा इनको धोकर एक आध दिन की धूप लगवा दूंगी तो ये पहनने के काबिल हो जाएंगे। मेरे पास ज्यादा दुपट्टे हैं, वो इजाब करते हैं, स्टोलर हैं, उनके लिए ये वाला ऑर्गेनाइजर, दुपट्टा ऑर्गेनाइजर बड़े कमाल की चीज है। इसके अंदर ढेर सारे आपके दुपट्टे आ जाएंगे, ऑर्गेनाइज हो जाएंगे और जब आपको जरूरत पड़ेगी ना तो फटाफट आपको दुपट्टे सामने मिल जाएंगे। खामी इसके अंदर ये है कि ये ज्यादा वेट नहीं उठा सकता, यहाँ से ये इस तरह से नीचे गिर जाता है। अंदर हम सादा दुपट्टे लटका सकते हैं, फैंसी दुपट्टों के लिए ये है, ये बहुत ही जबरदस्त है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, ये देख सकते हैं जितना भी वेट लटका देना ये गिरता नहीं है। और जितने भी मेरे फैंसी दुपट्टे हैं ना इस तरह के, वो मैंने इसके अंदर इस तरह से लटकाए हुए हैं। बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइजर है, इसके अंदर इस तरह से आप हैंगर डालें और इसको लटका दें, जितने भी आपके सॉक्स अंडरगार्मेंट्स हैं इसके अंदर ऑर्गेनाइज हो जाते हैं और टाइम पर जब आपको चाहिए होते हैं ना तो फटाफट मिल सकते हैं। इन तीनों ऑर्गेनाइजर को मैं 3 साल से इस्तेमाल कर रही हूँ और ये तीनों मुझे बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में दराज से मिल गए थे। तीनों को मैंने इस तरह से अलमारी के अंदर अपनी अपनी जगह पर लटका दिया है और ये देखे सब चीजें ऑर्गेनाइज भी हैं और अच्छी भी लग रही हैं। इससे चीज मांगना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है और जब मैं अपने पैसों से कोई छोटी से छोटी चीज खरीद कर लाऊं ना तो दिल से इतनी ज्यादा खुशी होती है। आज मैं एक चीज लेकर आई हूँ, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। आप यकीन जाने इतने सालों से हमारे घर में स्त्री नहीं थी, जब बच्चे कॉलेज और स्कूल जाते थे ना तो कहते थे फलां से मांग के ले आए, फलां से मांग के ले आए, मैं मना कर देती थी कि बिल्कुल नहीं मांगना, ऐसे ही कपड़े पहनकर चले जाओ, और वो चले जाते थे। तो कल अल्हम्दुलिल्लाह से ये वाली जो स्त्री है ना मैं खरीद कर लाई हूँ, मुझे इतनी ज्यादा खुशी हो रही है। और यहाँ पर ये जो हमारा कंप्यूटर टेबल था ना, इसको मैं एज ए स्त्री स्टैंड यहाँ पर सेट कर लिया है और पास ही यहाँ पर स्त्री का पॉइंट है, स्त्री भी मैंने लगा दी है। जब भी बच्चों को जरूरत होगी ना वो अपने कपड़े खुद इस्त्री कर लेंगे और ये इस्त्री करने वाले कपड़े हैं, ये कल मैं इस्त्री कर लूंगी। हम चाहे जितने भी नेक हों, अच्छे हों, लेकिन लोग हमारे अंदर ना कोई खामी ढूंढ कर निकाल ही लेते हैं। नियतें और दिलों के हाल जो है ना वो अल्लाह ताला बेहतर जानता है और उन्हीं के हिसाब से अल्लाह ताला आपको नवाजता है। जब मेरी शादी हुई थी ना तो मेरी सासू माँ ने एक चीज मेरे लिए तैयार की थी बड़े प्यार से, अपने हाथों से, और वो चीज मैंने इतने सालों से अभी तक संभाल कर रखी हुई है। तो मैं अपनी सासू माँ से बहुत प्यार करती हूँ, उनके लिए मैं क्या सोचती हूँ वो अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। बाकी लोग जो जितना मर्जी कोई बोलता रहे उसकी मुझे कोई परवाह नहीं है। तो वो क्या चीज है अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये शलवार मुझे याद है जब मेरी नई नई शादी हुई ना तो ये वाला सूट मैं पहन रही थी, मुझे काफी बड़ा था, खुला था, तो मेरी सास ने मुझे देखा, उन्होंने बोला कि ये वाला जो सूट है ना मैंने आपके लिए अपने हाथों से सिया है। ये देखे उनके हाथों की इसके ऊपर सिलाइयां लगी हुई हैं, हाथों का ये जारबंद डला हुआ है इसके अंदर जिसको उन्हीं के हाथों की गिठाने लगी हुई है। अभी तक इतने साल गुजर गए, मैंने इसको संभाल कर रखा हुआ है, मैंने किसी को नहीं दिया, बाकी मैंने बहुत से कपड़े लोगों को दिए हैं और जब तक मैं जिंदा हूं ना ये उनकी निशानी है, मैं इसको संभाल कर रखूंगी। तो मेरी शादी की मेरे पास कोई निशानी कोई चीज नहीं है और मुझे लगता है जब मैं आखिरी दफा उस घर से निकली थी ना
तो यही सूट मैंने पहना हुआ था, तभी ये सूट अभी तक मेरे पास है। अच्छा जी, मैं अभी नीचे आ गई हूँ। नीचे आकर मैंने सिर्फ जर्दा बनाया है बच्चों के लिए, और सालन जो है ना वो आमना बना रही है। रोटी भी आज आमना ही बनाई। हमजा कब से मेरे पीछे पड़ा हुआ है कि आप कौन से सरप्राइज की बात कर रही थी, तो अभी मैं हमजा को बताती हूँ और साथ में आपको भी वो सरप्राइज का पता चल जाएगा। आप सब लोग मुझे कहते हो कि हमजा को अपने वालिद से बचा कर रखो, वो दोबारा से इसको ना लेकर जाएं। अच्छा, वो लेकर जाते हैं तो ले जाएं, मैं उनको मना नहीं करती, लेकिन वो ये जिम्मेदारी ले कि मैं इसको पढ़ाऊंगा, जब तक ये बालिग नहीं होगा मैं इसको काम पर नहीं लगाऊंगा, तो तब तो मैं उनके साथ भेजने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है। अगर वो इस शर्त पर लेकर जाते हैं कि हमजा से भीख मंगवाऊंगा, हमजा को रोडों पर सलाऊंगा, हमजा को मस्जिदों में सलाऊंगा, तो इस सूरत में मैं उनके साथ कभी भी हमजा को नहीं भेजूंगी। दूसरी बात, हमजा की सिक्योरिटी मैंने पक्की कर ली है, हमजा कभी भी उनके साथ अब नहीं जाएगा और ना ही वो उसको लेकर जा सकते हैं। हमजा पहले रिक्शे पर जाया करता था, जिस पर मुझे भी बहुत ज्यादा फिकर होती थी, और दूसरी बात किराया भी बहुत ज्यादा लग जाता था, 2-3 रिक्शे भी चेंज करता था, फिर पैदल भी चलता था बेचारा, थका हारा घर आकर पहुंचता था। तो आज सरप्राइज ये है हमजा को बता रही हूँ, आपको भी। तो हमजा की जो वैन है ना स्कूल की, वो मैंने लगा ली है, वो सीधा हमजा को दरवाजे से उठाएगा और स्कूल में जाकर उतारेगा, और मेरे अलावा किसी के भी हवाले हमजा को नहीं करेगा। और स्कूल में भी मैंने बात कर ली है कि जब भी आऊंगी मैं ही आऊंगी, और कोई भी हमजा के लिए नहीं आएगा। अब आप खुश हो ना? वैन लग गई माशाल्लाह से आपकी, आप इंशाल्लाह वैन पर जाओगे, ठीक है? आप ज्यादा रिक्शे चेंज करने की, थकने की जरूरत नहीं है। तो इसी के साथ ही आज बहुत सारे काम किए, अभी मैं थक चुकी हूँ, अब आराम करने लगी हूँ, सोने लगी हूँ। तो आप सबने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। हमारी मुलाकात होगी आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।